भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का अनुभव गांव में विशेष रूप से होता है। इसी दिशा में श्री मनकामेश्वर रामलीला का आयोजन 3 से 13 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। इस महोत्सव का उद्घाटन 3 अक्टूबर को नवरात्र की प्रतिपदा पर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ और यज्ञ से होगा। मंगलवार को आयोजन के आमंत्रण पत्र का विमोचन श्री मनकामेश्वर मंदिर रावतपाड़ा पर मंदिर महंत योगेशपुरी, मठ प्रशासक हरिहरपुरी सुधीर यादव, लक्ष्मीकांत रजावत, अमर गुप्ता, अतुल कुमार, टीपी तिवारी द्वारा किया गया। साथ ही आगरा वासियों को रामलीला मंचन एवं राम बारात में सहभागी बनने का निमंत्रण भी दिया गया। मंदिर महंत योगेशपुरी ने बताया कि 3 अक्टूबर से श्री मनकामेश्वर गौशाला दिग्नेर में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं यज्ञ के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। वैदिक हवन एवं पाठ किशोरी लीला संस्थान मथुरा और मध्य प्रदेश से 3 आचार्यों द्वारा किया जाएगा। वृंदावन के कलाकार श्री राम की पावन गाथा का मंचन करेंगे, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों के साथ शहरवासी भी उत्साहित। मंदिर मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि 8 अक्टूबर को पूरे क्षेत्र में राम बारात निकाली जाएगी। आसपास के क्षेत्रों को बारात में लोग स्वयं उत्साहित होकर अपने घर द्वारों को अभी से ही सुसज्जित करने लगे हैं। घरों में महिला राम बारात के दिन घरों में महिलाएं विशेष पकवान और द्वारों पर रंगोली बनाएंगी। 13 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर दुर्गा सप्तशती पाठ और श्री रामचरितमानस पाठ की पूर्णाहुति व ब्राह्मण भोज के साथ समापन होगा। आयोजन के लिए बाल विद्यालय के मैदान को सजाया जा रहा है। साथ ही शहर में भी विभिन्न स्थानों पर LED के माध्यम से प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति से युवा पीढ़ी और विदेशी पर्यटक भी जुड़ सके, इसके लिए आमंत्रण पत्र में रामलीला के बारे में अंग्रेजी भाषा में वृत्तांत लिखा गया है। श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव, जैसा कि सबको विदित है, वो 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में, वहाँ पर अपना श्री मनकामेश्वर परिसर के अंतर्गत में। साथ ही में आगरा शमशाबाद रोड पर वहाँ पर कई सारे अन्य जो विकल्प हैं हमारे बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के, वो चलते हैं, जैसे कि अस्पताल है, गौशाला है, स्कूल है, और उसी के अंतर्गत में हम लोग ये रामलीला पर जो है मनकामेश्वर परिसर के अंतर्गत में रामलीला का महोत्सव कर रहे हैं। इसके अंतर्गत में यहाँ पर भगवान शंकर का नियमित रुद्राभिषेक होगा, साथ ही में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा। सबसे बड़ी बात है कि आगरा की जो रामलीला का स्तर आप देख रहे हैं और प्रदेश में भी जैसे हो रहा है, कई जगह अलग अलग प्रकार से होता है, भाव कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, कमर्शलाइज ज़्यादा हो रहा है। और मैंने अधिकतर ये भी आकलन करा है कि अधिकतर रामलीला हर शहर में होती हैं। जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा कि लोग बाग सहभागिता के रूप में स्वयं कभी कभी अदाकारी भी करते हैं, स्वयं संवाद भी करते हैं, मगर हमारे यहाँ हम लोग मंडली को बुला रहे हैं। मंडली को बुलाने का उद्देश्य है कि एक अच्छी एक प्रयास वहाँ प्रारंभ हो, और हमारे गांव के जो बच्चे हैं, गांव में धर्म अभी भी बहुत बचा हुआ है। आप लोग जैसा कि बारात आदि का जो प्रोसेशन शहर की रामलीला से और गांव की रामलीला में, दोनों में आपको भाव का बड़ा अंतर नजर आएगा। इस आयोजन में पर्यटक विभाग का विशेष सहयोग है। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।